दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट एंड मार्केट के। आज अपने कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर जो पाचन तंत्र की बीमारी चल रही है, तीन तो अपने करा दी थी, आज चौथी के बारे में अपने बात करेंगे, चार नंबर के बारे में। सिंपल इंडाइजेशन या एपच, ठीक है। इस एपच या सिंपल इंडाइजेशन क्या होता है, इनकी भोजन पशु होता है ना, वो कोई भोजन खाता है, वो भोजन खाता है ना, तो उसके भोजन क्या होता है, वो भोजन है वो न पचकर वो क्या होता है, पचता नहीं है उसके के, और उसके के अंदर क्या होती है कि जो रुमन थी पशु होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, रुमन होती है ना, उसकी गति क्या हो जाती है, कम या बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अभी पशु का क्या होता है, भोजन पचता नहीं है, बल्कि वो अपच रह जाता है, वो क्या कहलाता है, सिंपल इंडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आज अपन सिंपल इंडाइजेशन की बात करेंगे, कारणों की, किन कारणों के कारण होता है, कारणों या एडियोलॉजी की, कारणों की बात करते हैं। तो कारण क्या होते हैं, कारण क्या है कि पशु क्या होता है भी, कई बार क्या करता है पशु, क्या करता है, सड़े गले जो सब्जियां होता है ना उनको खा लेता है, या क्या करता है पशु, क्या करता है, गर्म और ठंडे, पहले गर्म पशु क्या करता है, अधिक ठंडा या गर्म भोजन खा लेता है, या अधिक गर्म या ठंडा भोजन खा लेता है, या करता है क्या पशु, क्या करता है कि जल्दी पचने वाले जो भोजन होते हैं ना, जैसे साइलेज हो गया, मक्का हो गया, अनाज दाना हो गया, ठीक है, वो खा लेता है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि पशु क्या है, पशु को अपने लंबे समय तक ज़्यादा, यह पशु को क्या होता है, पशु बीमार हो जाता है, उसे क्या है, अपने लंबे समय तक ज़्यादा सल्फामेडीन या एंटीबायोटिक देते हैं ना, उसे क्या होता है, अभी जो रुमन होते हैं ना, रुमन के क्या होते हैं, रुमन के माइक्रोफ्लोरा होते हैं ना, उनका क्या होता है उनका क्या हो जाता है, इनहेबिट हो जाता है। आपको भी पता होगा कि अपने क्या होता है कि कोई भी पशु होता है बीमार हो जाता है, उसको क्या करते हैं, तीन दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं क्या हो जाता है, पशु को ज़्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो उसके क्या होता है, रुमन के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं ना, फिर जो रुमन के अंदर होते हैं उनका क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे पशु की क्या होती है, भूख मर जाती है, या रुमन की गति हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपने या पशु क्या पाइक हो जाता है, या पशु क्या हो जाता है ओल्ड, या पशु ओल्ड हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर पशु की क्या होता है, कमजोरी आ जाती है, इन कारणों के कारण भी हो सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं लक्षण की, किन लक्षणों के कारण, लक्षण क्या है, सिंपल इंडाइजेशन के लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण क्या है कि अपने किसी पशु है उसके एनोरेक्सिया हो गया, किसी पशु के एनोरेक्सिया हो गया, या जुगाली करना बंद कर दिया उसने, क्या है, जुगाली करना बंद कर दिया है, एनोरेक्सिया हो गया, या अपने बात करते हैं कि रुमन पल्पिरेशन पर डफिंग फील होता है, ठीक है, और पशु क्या करता है, मल त्यागता है ना, वो अत्यधिक मात्रा में त्याग देता है, ठीक है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसका उपचार क्या करेंगे, उपचार की बात करते हैं। तो उपचार का क्या होगा कि अपने उपचार के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ना रुमन का पीएच एक नंबर पे अपने क्या करेंगे, रुमन का क्या करेंगे, पीएच को संतुलन करेंगे, पीएच है ना उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है, पीएच को मेंटेन करेंगे। उसके बाद अपने क्या करेंगे, पशु है ना इसके लिए, उसके बाद अपने क्या करेंगे, रुमन टोन होती है ना, जो रुमन की गति है वो कम हो गई है, उसको बढ़ाने वाले जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन देंगे। उसके बाद अपने क्या करेंगे, पशु है ना उसके जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फ्रूट देंगे। इसके अलावा अपने बात करते हैं तो क्या, तीन नंबर पर देंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना,
लीवर एक्सटेंशन होता है ना वो देंगे। इसके अलावा चार नंबर, तीन नंबर हो गए, चार नंबर अपने इसके अंदर उपचार के अंदर क्या बात करते हैं कि एक एंटी एंटी मोनोक्सिया साल्ट, एंटी मोनोक्सिया साल्ट होता है ना वो जो इंजेक्शन होते हैं जिसके अंदर एंटी मोनोक्सिया साल्ट होता है ना वो इंजेक्शन अपने क्या करेंगे सिंपल इंडाइजेशन के अंदर देंगे। ठीक है, अपना सिंपल इंडाइजेशन हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपने बात करेंगे एसिडिक इंडाइजेशन की। इसके बाद अपनी बात करेंगे और अपनी बात करेंगे पांच नंबर एसिडिक इंडाइजेशन। ठीक है, हम लेता इसका एसिडिक इंडाइजेशन की अभी नहीं बात कर लेते हैं। रोगी क्या होता है कि कई बार क्या होता है अपने कार्बोहाइड्रेट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में दे देते हैं पशुओं को। जैसे अपने गेहूं होती है, गेहूं का जो आटा होता है उसे पशुओं के लिए, गेहूँ का दड़ी वो अपने पशुओं को देते हैं, दलिया जिसे बोलते हैं दलिया लेते हैं ना, वो क्या होता है पशुओं को अधिक मात्रा में देने से क्या हो जाता है पशु के पीएच होता है ना, जो पीएच होता है ना पीएच होते हैं वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, पीएच है ना वो कम हो जाती है, पीएच कम हो जाती है। ठीक है, पीएच कम किस किस प्रकार के जैसे भी पशु को अपने खाद्य कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में दे दिए देने से क्या होता है, देने के कारण फलस्वरूप क्या होता है कि रूमन के अंदर जो किण्वन करते हैं किण्वन की क्रिया होती है ना वो क्या रूमन में किण्वन की क्रिया रूमन की गति रूमन का पीएच होता है ना वो अम्लीय कर देती है या पीएच पीएच कम कर देती है अम्लीय कम कर देती है या मैं ये कर देती है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि एसिडिक इंडाइजेशन होता है ना उसके कारणों की बात करते हैं। कारण क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होती है ना कार्बो ज्यादा देने से, इसका एक ही कारण कार्बोहाइड्रेट है ना वो अधिक मात्रा में देने से होता है। उसके बाद अपने बात करेंगे लक्षणों की, लक्षण किस प्रकार दिखाई, लक्षण क्या होगा कि आपको पता होगा एनोरेक्सिया हो जाता है उस प्रकार दिखाएगा, और क्या होगा रूमन की गति भी ना वो पूरी बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके अलावा अपने तीन नंबर देखेंगे पशु के क्या होगा, पशु के पेट में ना पानी पानी की आवाज़ आने लग जाएगी या पानी भर जाएगा, अगर पशु को अपने क्या करेंगे उसको हिलाएंगे या पशु को अपने देखेंगे तो उसके पेट में अंदर क्या है पानी की आवाज़ आने लग जाएगी। उसके बाद अपने देखते हैं कि कई बार क्या होता है पशु के अंदर क्या होता है भी पशु के पेट के अंदर क्या होता है दर्द होता है, दर्द होने से क्या करता है पशु दांत को किरकिराता है। इसके अलावा अपने देखेंगे पशु है ना उसकी आंखें होंगी, आंखों के अंदर क्या है नीचे आंखों के अंदर अपने आंखें खोल के देखेंगे तो वहाँ पे अपने को गड्ढा जैसा दिखाई देगा। ठीक है, एसिडिक इंडाइजेशन का ठीक है लक्षण होगा वो। और अपने बात करते हैं कि कई बार क्या होता है पशु है ना उसके अंदर क्या होता है पशु लंगड़ा के चलेगा लेकिन पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, लंगड़ा के चलेगा लेकिन पड़ेगा नहीं, ये मिल्क फीवर का भी लक्षण है लेकिन इंडाइजेशन का। इनके अंदर फर्क इतना ही है कि मिल्क फीवर के अंदर क्या होता है पशु के अंदर कैल्शियम की डिफरेंसी आने के कारण क्या होता है पशु लंगड़ा के पड़ जाता है या गिर जाता है, लेकिन एसिडिक इंडाइजेशन के अंदर क्या होगा कि पशु क्या है लंगड़ा के ना गिरेगा नहीं लेकिन गिरने की ऐसे मतलब गिरने के ऐसे दिखाएगा लेकिन गिरेगा नहीं वो समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन मिल्क फीवर के अंदर क्या होगा वो पशु पड़ जाएगा कमजोरी के कारण। उसके अलावा आपने क्या कर सकता है ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा, क्या होगा ट्रेकिकार्डिया हो जाएगी, नाड़ी दर होती है ना वो बढ़ जाएगी। इसके बाद अपने क्या बात करें में कई बार क्या होता है कि मिल्क फीवर भी हो जाता है और एसिडिक इंडाइजेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने बात करेंगे भी उपचार, इसका उपचार क्या करेंगे,
उपचार। इसके अंदर आपको बता दूं, ये रोग है ना, ये रोग जो आप एसिडिक इंडाइजेशन करा रहा हूँ, ये आपके फील्ड जो जो एल एस है, मेरे से सीनियर होंगे जो भी है, जो या मेरे साथी रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि एसिडिक इंडाइजेशन आपको लगभग 90% आपको आपने केस देखा होगा, ठीक है, आपने हैंडल भी किया होगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहे जा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये उपचार उपचार की बात करेंगे अपने। उपचार की अपने बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने रूमन का पीएच है ना वो सामान्य करेंगे, रूमन का पीएच है ना, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, रूमन का पीएच है ना, रूमन का पीएच है उसे क्या करेंगे, सामान्य करेंगे, ठीक है, सामान्य करेंगे करेंगे अपने क्या करेंगे उसके उसको क्या करेंगे, एन एस या आर एल आई वी रूट से देंगे, ठीक है, एन एस या आर एल दोनों में से एक, दोनों भी दे सकते हैं आप या एक, ठीक है। तीन नंबर पर क्या करेंगे कि सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन होता है ना, जो सोल्यूशन सोल्यूशन होता है जो 25% या 25 ml का एक एम्पुल आता है, वो क्या करेंगे अपने 4 एम्पुल आई वी रूट से देंगे, ठीक है, 4 है वो आई वी रूट से देंगे, ठीक है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि बसु के अंदर क्या करेंगे, मुंह के अंदर क्या करेंगे, आई वी रूट से देंगे। इसके बाद अपने 4 नंबर पर क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन या एम्पीसिलिन होता है ना, वो 5 से 10 ml क्या करेंगे पशु के मुंह के अंदर डाल देंगे, जिससे क्या होगा भी लैक्टिक अम्ल को पैदा करने वाले जो जीवाणु है ना, लैक्टिक अम्ल की वृद्धि करने वाले जीवाणु हैं, उनकी क्या हो जाएगी कमी, या वो उनकी उनको रोक देंगे, ठीक है। इसके बाद अपनी बात करते हैं कि उसके बाद अपनी बात करेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स, 4 नंबर पे अपने क्या करेंगे बी कॉम्प्लेक्स देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक बात अपनी बात करते हैं कि 5 नंबर इंजेक्शन अपने क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन दे, एंटी हिस्टामिन के साथ में अपने क्या देंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टॉक इंजेक्शन होते हैं वो देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन से इंजेक्शन होते हैं आपको पता होगा, आइसोफ्लूड है ना, फ्लूड इंजेक्शन देंगे, ठीक है, आइसोफ्लूड इंजेक्शन देंगे। इसके अलावा आपने बात क्या करें, थायमिन इंजेक्शन होगा ना, वो क्या करेगा लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड की में मेटाबोलिक को बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद अपना हो गया एसिडिक इंडाइजेशन, ये एसिडिक इंडाइजेशन आप मतलब वीडियो को आराम से देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अपनी बात करते हैं एल्कोहलिक इंडाइजेशन की, एल्कोहलिक इंडाइजेशन की, इसके बाद अपना एसिड एसिड हो गया था, इसके बाद अपने बात करते हैं 6 नंबर की, एल्कलाइन या सार, ठीक है। इसके अंदर पशु का एल्कलाइन इंडाइजेशन के अंदर क्या होगा भी, पशु के अंदर क्या होगा भी, पशु अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन खा लेगा, प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से या प्रोटीन युक्त भोजन खाने से क्या होगा, रूमन के अंदर क्या होगा, रूमन का पीएच जो ना, रूमन के अंदर क्या होगा, रूमन के अंदर पीएच होगा ना, रूमन का पीएच क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर की जिससे जिसके जिससे उसका सार हिल जाएगा, जो बढ़ जाएगा या सार हिल जाएगा, ठीक है, पीएच रूमन का बढ़ जाएगा। इसके अपने कारणों की बात करते हैं, किन कारणों की, कारण इडियोलॉजी की बात करते हैं, तो कारण कारणों की अपनी बात करते हैं, तो किन कारणों चलते हैं,
भी पशु है ना, कई बार आपने सुना होगा भी पशु, जो पशु ना चावल की पराली या भूसा खाते हैं, चावल की पराली या भूसा लंबे समय से खाते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, एल्केलाइन डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। या अपने क्या करते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया खाने से हो जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट, अब पशु की क्या है, अपने कार्बोहाइड्रेट भोजन दे रहे हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दे रहे थे, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देते देते अपने प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा का देते हैं, तो क्या हो जाता है, एल्कोलाइनाइज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने बात करेंगे कारणों की, लक्षणों की बात करेंगे, किन लक्षणों के कारण एल्कलाइन डाइजेशन के लक्षण क्या क्या दिखाएगा, लक्षण क्या दिखाएगा, कि लक्षण ये दिखाएगा कि पशु के अंदर क्या होगा, नाड़ी दर होगी ना, नाड़ी दर और पल्स दर, श्वसन दर होती है ना, पल्स दर और श्वसन दर जो होती है ना, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। पेट दर्द अधिक होगा, मुँह से लार स्रावित होगी, आंखों से पानी पड़ेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, ठीक है, ये लक्षण दिखाएगा। इसके बाद अपने बात करते हैं उपचार की, इसका उपचार क्या करेंगे, उपचार के लिए अपने क्या करेंगे, रूमन का पीएच ना, पीएच रूमन का पीएच वो सही करने के लिए, रूमन का पीएच वो सही करने के लिए अपने क्या करेंगे, 5 से 10 मिलीग्राम ना, 5 से 10 मिलीग्राम एसिड ओरली देंगे, 5 से 10 मिली ग्राम सिट्रिक एसिड ओरली देंगे, ठीक है, 5 से 10 मिलीग्राम एसिटिक एसिड ओरली देंगे। इसके अलावा आपने क्या करेंगे, उसे एंटीबायोटिक देंगे, उसके अलावा आपने क्या करेंगे, 3 नंबर इंजेक्शन देंगे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे, ठीक है। इसके साथ में अपने क्या करेंगे, विटामिन बी है ना, विटामिन बी के साथ ही अपने क्या करेंगे, विटामिन सी और देंगे, विटामिन सी इंजेक्शन भी देंगे, ठीक है। इसके बाद अब ठीक है, इंजेक्शन के बाद, इसके बाद अपने क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन भी देंगे, ठीक है। ये एल्कलाइन डाइजेशन है ना, वो भी आपके फील्ड के अंदर आपने देखा होगा, आपको बहुत मिला होगा, ठीक है। और ये इसके अंदर आपने से एक लक्षण रह गया था, क्या होता है, कई बार क्या होता है, पशु होते हैं ना, वो अपनी जहर होती है ना पलसेंटा, उसको भी कई बार पशु क्या है खा लेता है ना, तो भी उसका पीएच है ना वो बढ़ जाता है। और जो अपने बोलते हैं खीस, वो खीस अपना दूध, ये पहला जो प्राथमिक दूध होता है, पहला खीस होता है ना, उसे भी पी लेता है, तो भी उसके क्या हो जाता है, ये एल्केलाइनिस हो जाता है, ठीक है। इस आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये जो आप तीनों टॉपिक रहे हैं ना, ये फील्ड के लिए प्लस आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब